नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। भारत में कोरोना के केस घट तो रहे हैं, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट से खतरा बढ़ता जा रहा है। भारत में अब तक डेल्टा प्लस के 40 नए केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और तमिलनाडु राज्यों में डेल्टा प्लस के नए केस सामने आए हैं। अकेले महाराष्ट्र में ही 21 मरीजों की पहचान हुई है, जबकि मध्य प्रदेश में 5 नए केस मिले हैं। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक, अगर डेल्टा प्लस के केस बढ़ रहे हैं तो इसे रोकने के लिए फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो आपको हम बता दें, डेल्टा प्लस वेरियंट से एक बार फिर सरकार जो है वो सख्ते में है, स्वास्थ्य मंत्रालय भी चिंता में है। देखा जो वायरस है वो इन्फेक्टिविटी ज्यादा हो जाती, जैसे हमने डेल्टा वेरिएंट में देखा कि वो एकदम ज्यादा इन्फेक्शियस हो गया, केसेस हमारे एकदम बढ़ने शुरू हो गए। तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो जाता है। अभी अगर हम देखें तो हमारे इतने ज्यादा केसेस नहीं है भारत में कि हम ये कह पाए कि इनमें से ये कुछ भी क्राइटेरिया मीट होते हैं नहीं। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि ये डेल्टा प्लस वेरियंट है, डेल्टा के ही लीनियज से है और डेल्टा एक वेरियंट ऑफ कंसर्न है। साथ साथ इसमें जो स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ है 417 जो है, वो हमने और भी म्यूटेशन में देखा था और उससे ये देखा गया है कि इससे ये जो वायरस है ज्यादा इन्फेक्शियस हो जाता है। इसलिए कई लोगों का मानना है कि हमें सतर्क रहना चाहिए, ये वायरस अब ज्यादा फैल सकता है और इसलिए इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा दिया गया है। लेकिन क्लोज ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, स्पेशली जहां जहां पे केसेस बढ़ रहे हैं कि वहां पे ये वायरस डोमिनेंट वायरस तो नहीं हो रहा है। वेव अगर हमें रोकनी है या उसको डिले करना है तो ये हमारे हाथ में है, क्योंकि वेरिएंट्स नए नए आएंगे जो ज्यादा इन्फेक्शन फैलाएंगे। लेकिन चाहे कोई भी वेरिएंट आए, अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभा के रखें, अगर हम मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी रखें, हाथ धोएं, भीड़ इकट्ठी ना होने दें, सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स ना बनाएं, तो ये वायरस फैल नहीं पाएगा। ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे ही फैलता है। अगर हम वो दूरी रखेंगे, मास्क लगा के रखेंगे, जिससे जो ड्रॉपलेट्स हैं या एरोसॉल है वो ना बने, तो वायरस आगे फैल नहीं पाएगा और हमारे केसेस नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं यही अपील करूंगा कि हम सबको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभा के रखना है। दूसरा, सर्वेलेंस करने की जरूरत है कि कहां जहां पर भी केसेस ज्यादा हो, कि पॉजिटिविटी रेट ज्यादा हो रही हो, वहां पर हम लॉकडाउन कर लें जिससे उसको आगे ना बढ़ने दें। और तीसरी चीज, वैक्सीनेशन, ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आए, वैक्सीनेशन लगाएं, जिससे उनको भी प्रोटेक्शन मिलेगा और चेन ऑफ ट्रांसमिशन को हम रोक पाएंगे, जिससे वायरस आगे नहीं फैल पाएगा। दुनिया और कोरोना वायरस के बीच खेल चल रहा है। अभी तक अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल, जापान, नेपाल, चीन और रूस समेत 10 देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामलों की पुष्टि हो चुकी है। भारत में भी 40 केस आ चुके हैं, जिसके बाद सवाल पूछा जा रहा है कि तीसरी लहर क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट पर ही सवार होकर आएगी। डेल्टा प्लस अभी 9 देशों में पाया गया है। भारत में इसके 22 मामले अभी तक मिले हैं। अभी इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा गया है। मंगलवार शाम स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेल्टा प्लस को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया गया और शाम ढलते ढलते इसे बदलकर वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी घातक वेरिएंट घोषित कर दिया गया। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित 40 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। सबसे ज्यादा 21 मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 6, केरल और तमिलनाडु में 3-3, कर्नाटक में 2 और आंध्र प्रदेश, पंजाब और जम्मू में 1-1 केस सामने आ चुके हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र सरकार को एक्शन लेने की एडवाइजरी भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी कर दी है। प्रेजेंट रिगार्डिंग डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस, आई कैन जस्ट सबमिट द डेटा दैट यस, अप्रोक्सीमेटली 21 नंबर्स हैज बीन फाउंड आउट इन अ सैंपल ऑफ 7500 विच वर कलेक्टेड सिंस 15th ऑफ मे टिल टू डेट। So now we have given instructions to all my subordinate officers that the index cases of these Delta plus variant should be monitored very closely.
भारत में दूसरी लहर का जिम्मेदार कोरोना का डेल्टा वेरिएंट था। वैज्ञानिकों के मुताबिक अब डेल्टा वेरिएंट ने म्यूटेट होकर डेल्टा प्लस का रूप ले लिया है। अभी तक के वैज्ञानिक शोधों के आधार पर कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को अब तक का सबसे शक्तिशाली वेरिएंट माना जा रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट पुराने डेल्टा वेरिएंट से 50% तक ज्यादा संक्रामक हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट वैक्सीन और इन्फेक्शन इम्यूनिटी दोनों को चकमा दे सकता है। हालांकि अभी तक डेल्टा प्लस के असर को लेकर कोई भरोसेमंद रिसर्च सामने नहीं आई है, लेकिन खतरा जताया जा रहा है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर का कारण भी कोरोना का यही डेल्टा प्लस वेरिएंट बन सकता है। थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है, और रादर ये पॉसिबल है कि अगर आपको पहली बार कोरोना हो चुका है, आपको 6 से 8 महीने हो चुके हैं, आपकी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज कम हो रही है, तो डेल्टा प्लस आपको इन्फेक्ट करेगा ही करेगा। डेल्टा प्लस के आपको डेल्टा वायरस भी इन्फेक्ट करेगा, इसलिए सबसे जरूरी है कि अगर आपको इन्फेक्ट हो चुके हैं तो आप वैक्सीन लगवाइए। पहले डेल्टा और अब डेल्टा प्लस वेरिएंट इस वक्त भारत ही नहीं पूरी दुनिया में चिंता का सबब बना हुआ है। कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत के अलावा 9 देशों में पाया गया है। डेल्टा प्लस की आहट के बीच डेल्टा वाली चिंताएं सारे रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट इस कदर फैल चुका है कि वहां 90% से अधिक नए मामलों की वजह डेल्टा वेरिएंट है। अमेरिका में आने वाले कोविड के नए मामलों में भी 20% से अधिक में संक्रमण की वजह डेल्टा वेरिएंट ही है। The vaccines we have do protect well against the Delta variant. So if ever there was a reason to get vaccinated, it's right now, because we're seeing this Delta variant double every 2 weeks. We're up to 20.6% of the isolates now are Delta variants. A few weeks ago, it was like 2 or 3 or 4%. डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों वेरिएंट पर कोरोना वैक्सीन किस हद तक कारगर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविशील्ड और कोवैक्सीन के डेल्टा वेरिएंट पर असर के शोध जारी हैं। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। रुक करेंगे अगली खबर का। क्या 21 जून को 17 लाख वैक्सीन लगाकर रिकॉर्ड बनाने के लिए मध्य प्रदेश ने जानबूझकर वैक्सीन जमा की थी? आखिर 21 जून को 17 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाने वाले मध्य प्रदेश में 22 जून को 5000 से भी कम डोज क्यों लगे? हालांकि 23 जून को 11 लाख वैक्सीन डोज लगाई गई। तो अब सवाल यह है कि 22 जून को मध्य प्रदेश में 5000 से भी कम डोज क्यों लगे? हमने इस सवाल का रियलिटी टेस्ट किया। ये 21 जून की तस्वीरें हैं जब मध्य प्रदेश ने वैक्सीनेशन ड्राइव का एक्सीलेटर इतनी जोर से दबाया था कि 72,000 वैक्सीन प्रति घंटे की रफ्तार से 24 घंटे में 17,44,000 डोज लगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन अगले ही दिन यानी 22 जून को ऐसा जोरदार ब्रेक लगा कि उड़ान भरती वैक्सीनेशन ड्राइव धड़ाम करके धराशायी हो गई। एक दिन में 99% की गिरावट के साथ वैक्सीन डोज लगी सिर्फ 4,842। जाहिर है पहली नजर में सवाल उठता है कि ऐसा कैसे। ऐसे ही सवालों को कांग्रेस ने हवा दे दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मध्य प्रदेश में 3 दिन के वैक्सीनेशन के आंकड़े शेयर करते हुए कहा कि हम किसे बेवकूफ बना रहे हैं। पी चिदम्बरम ने कटाक्ष किया कि इसको लेकर मोदी सरकार को औषधि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। शिवराज सिंह जी, आप रिकॉर्ड बनाना, अपनी इमेज सुधारना सरकार के लिए का काम की वाहवाही हेडलाइन में बनाने के बजाय असल में वैक्सीनेशन कैसे उस पर काम करना चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 21 जून को रिकॉर्ड बनाने के लिए ही वैक्सीन स्टॉक की हुई थी। उनके दावे का आधार ये है कि मध्य प्रदेश में 13 जून से 16 जून के बीच हर रोज औसतन 2,28,784 वैक्सीन लग रही थी। वहीं महा टीकाकरण से ठीक 4 दिन पहले रोज औसतन 42,850 वैक्सीन ही लगाई जाने लगी। यानी 17 जून से 20 जून के बीच 400% तक की गिरावट कैसे आ गई? कांग्रेस का आरोप है कि इसी फॉर्मूले से मध्य प्रदेश सरकार ने 21 जून को टॉप किया और 22 जून को फिसड्डी साबित हो गई। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के इन आरोपों पर चुन चुन कर जवाब दिए।
मैं उनको दिव्य ज्ञान देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में चार दिन वैक्सीनेशन होता है, 21 जून को था सोमवार, सोमवार हमारा वैक्सीनेशन डे है, मंगलवार हमारा वैक्सीनेशन डे नहीं होता, बुधवार आज हमारा वैक्सीनेशन डे है। अभी तक हम 4,75,000 लोगों को वैक्सीन लगवा चुके हैं। 21 जून को वैक्सीनेशन के वर्ल्ड रिकॉर्ड का फॉर्मूला तो चिकित्सा मंत्री ने नहीं बताया, लेकिन उसके एक दिन पहले यानी 20 जून और एक दिन बाद यानी 22 जून को बेहद कम वैक्सीनेशन के पीछे का जो तर्क दिया, उसके मुताबिक 20 जून को राज्य में केवल 692 डोज दिए गए क्योंकि उस दिन रविवार था, यानी नो वैक्सीनेशन डे। 22 जून को राज्य में केवल 4,842 डोज लगे क्योंकि उस दिन मंगलवार था, यानी नो वैक्सीनेशन डे। क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार हफ्ते में सिर्फ 4 दिन फ्री के टीके लगवाती है, इसलिए 20 और 22 जून को सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में ही वैक्सीन लगी। आज मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन डे है और आज एक बार फिर मध्य प्रदेश एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य बन गया। बुधवार है आज, बुधवार को क्या स्थिति है वैक्सीन केंद्रों पे हम आपको सबसे पहले वो दिखाते हैं। विश्वास सानंद हमारे साथ हैं, मौजूद भी हैं, ये वैक्सीन केंद्र पे जायजा लेने पहुंचे क्योंकि सरकार पे लगातार सवाल उठ रहे हैं कि वैक्सीनेशन जिस दिन महाअभियान था उस दिन तो 16 लाख लग गए, उसके अगले दिन यानी मंगलवार को बेहद कम वैक्सीन लगी, 4,000 के करीब वैक्सीन लगी। अभी की स्थिति आप देखिए कि बड़ी संख्या में लोग आज जो वैक्सीनेशन का दिन है वैक्सीन केंद्रों पर पहुंचे हुए हैं। देखिए आज हमारे पास सुबह 10 लाख वैक्सीन के डोज थे और 5,71,000 हमारे पास शाम तक आ जाएंगे, टोटल मिलाकर आज हमारे पास 15,71,000 डोज हैं। 1 बजे तक हम 4,75,000 लोगों को लगा चुके हैं, 5 बजे तक हमें लगता है कि हम 5.5 लाख तक करीब पहुँच पाएंगे, हमारे पास सफिशियंट वैक्सीन है। मध्य प्रदेश में 22 जून को कम वैक्सीनेशन पर कांग्रेस के आरोपों का रिजल्ट रियलिटी टेस्ट में निगेटिव आया, लेकिन मध्य प्रदेश को छोड़ दें तो कई राज्यों में 21 जून के मुकाबले 22 जून को अपना प्रदर्शन बेहतर किया। कोविन डैशबोर्ड के मुताबिक महाराष्ट्र में सोमवार के मुकाबले मंगलवार को 45% से ज्यादा वैक्सीन डोज लगे, पंजाब में सोमवार की तुलना में मंगलवार को 24% ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई गई, हिमाचल प्रदेश में 23% और छत्तीसगढ़ में 22% से ऊपर की वृद्धि देखी गई। उत्तर प्रदेश में भी वैक्सीनेशन में मंगलवार को 15% ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ। हालांकि दिल्ली में वैक्सीनेशन का औसत रिकॉर्ड 70,000 से 72,000 डोज प्रतिदिन का है। 21 जून को भी दिल्ली में 76,000 डोज लगाए गए, जिसको लेकर विपक्षियों ने सवाल उठाए तो जवाब में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने तंज कस दिए। आप समझने की कोशिश कीजिए, दिस इज नॉट ए इवेंट। वो लोग कह रहे हैं कि उस दिन क्यों नहीं लगाई, अरे भाई हम रोज लगा रहे हैं ना, हम रोजाना 75,000 से 80,000 लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जितनी लगी थी उसकी 1% भी नहीं लगा पाया अगले दिन। अगर आप महीने में एक ही दिन लगाएंगे कि वो बेटर है कि हम रोज लगाएंगे बेटर है। ये सही है कि 21 जून को विश्व रिकॉर्ड बनाने के बाद अगले दिन वैक्सीनेशन ड्राइव की स्पीड में कमी आई, लेकिन बुधवार को वैक्सीनेशन ने दोबारा तेजी पकड़ी है। जाहिर है रफ्तार पकड़ने से पहले ट्रेन को भी अपनी स्पीड कई बार एडजस्ट करनी पड़ती है। उम्मीद कीजिए अब वैक्सीनेशन एक्सप्रेस तेजी से पटरी पर दौड़ती रहेगी। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए।